माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मालिनी और मैं हूँ मालिनी। आज है संडे 2 सितंबर, दैट मींस आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी कैसे अपने घर पे सेलिब्रेट करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, कैसे भोग बनाती हूँ और क्या क्या भोग में बनाती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं पहले ही एक चीज़ बता दूं कि मैं जो प्रॉपरली तरीके से मतलब ट्रेडिशनली कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है, जैसे पूजा होता है, वैसे मैं नहीं करती हूँ। मुझे जितना आता है या जितना पता है, मुझसे जितना होता है वही मैं करती हूँ। भगवान को भोग बना के देना, फ्रूट्स देना, फ्लावर के साथ पूजा करना, वही सब मैं करती हूँ। तो वही मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये मेरा शादी के बाद 2nd टाइम है जब मैं पूजा कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैं इस बार थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मैं एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है ना जब करते, थोड़ा सा डर भी लगता है एंड इतना सब कुछ पता भी नहीं होता है, आइडिया भी नहीं लगता है कि क्या करूँ कैसे करूँ। बट हाँ, इस बार मैं बोल सकते हैं आपके मैं एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करूँगी। बहुत ज़्यादा बहुत तो नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, तो वही सब करूँगी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मुझे ला के दिया है, जैसा कि फ्रूट्स से ग्रोसरी के जो भी भोग बनाने के लिए सामान चाहिए, मिल्क है, सब ला के दिया है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी मैंने जस्ट नहाया है, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने आज एक कुर्ती पहन ली है, क्योंकि आज पूजा का डे है तो कुछ इंडियन ट्रेडिशनल ही पहनना चाहिए ना। तो मैंने एक स्लीवलेस कुर्ती पहना है, क्योंकि अभी मुझे गैस के सामने काम करना है, तो मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं पहनना चाहती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बहुत गर्मी लग जाती है, तो वो भी नहीं करना था। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा तो कुछ रेडी अच्छे से होना ही था, तो मैंने एक कुर्ती पहन लिया है। और रात को जब मैं पूजा करूँगी तब मेरा ऐसा मन है कि मैं साड़ी पहनूं, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि मैं साड़ी पहनूंगी या नहीं। अगर जल्दी होता है तो मैं डेफिनेटली साड़ी पहनूंगी, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो मैं शायद से साड़ी नहीं भी पहनूं, ऐसे ही पूजा करूंगी। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा सा, बस एकदम थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया, जैसे थोड़ा काजल लगाया और लिपस्टिक लगाया, क्योंकि पूजा का डे है तो अच्छा लगता है ना थोड़ा रेडी होके, थोड़ा सज संवर के रहना, तो मैंने वही सब किया। और मुझे अभी थोड़ा सा ज्वेलरी पहना एंड सिंदूर लगाना भी बाकी है, वो भी मैं करूँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो को शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा जो भी ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो चलिए, अभी सबसे पहले मैं जो थोड़ा सा मुझे रेडी होना बाकी है वो मैं कर लेती हूँ, एंड देन मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं आज भोग में क्या क्या बना रही हूँ, एंड वो मैं रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं फुल रेडी हो गई, आप देख सकते हैं मैंने सिंदूर और बिंदी लगा लिया है, और मैं थोड़ा सा, और मैंने एक यहाँ पे न्यू एक चेन पहना हुआ है विथ लॉकेट, ये मुझे लास्ट ईयर मेरे एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, और ये मुझे पहनना ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मतलब फेस्टिवल भी है, पूजा भी है, तो मैं ये पहनती हूँ, तो मैंने आज ये पहना है। और मैंने अभी भगवान को यहाँ पे सिंहासन में बिठा दिया है, तो वो मैं दिखाती हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भगवान को एक्चुअली यहाँ पे सिंहासन में मैंने बिठाया है, और मेरा वहाँ पे गणपति रहता है, गणपति को भी मैंने नीचे बिठा दिया है, और भगवान को मैंने माला लगा है, और यहाँ पे बटर और मिश्री, बटर और एक्चुअली चीनी का मैंने भोग चढ़ा है, और थोड़ा सा धूप दिए जला है, तो बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे पूजा करने से, थोड़ा घर थोड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ही अच्छा फीलिंग आता है। तो चलिए, अभी मैं भोग बनाती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मालपुआ बनाना है मुझे, तो मालपुआ के लिए जो शुगर का सिरप होता है वो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं चढ़ा दूँ, एंड साथ ही साथ मुझे आलू और पनीर की एक सब्जी बनानी है, पूरी बनाना है और रबड़ी बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ आलू भी थोड़ा फ्राई वगैरह कर लूँ, तो ये सब शुरू करते, चलिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी भोग का जो प्रिपरेशन है वो सब कर लिया, और यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए चढ़ाया है, ऑलमोस्ट मेरा जो शुगर सिरप है वो बन गया है। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और उसमें 1 कप चीनी ऐड किया हुआ है, जब चीनी टोटली मतलब पानी में डिजोल्व हो गया उसके बाद मैंने 2 इलायची डाल दी। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 इलायची है, मैंने ऐसे इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, और मेरा अभी सिरप बन गया है, इसको मैं ऑफ करूँ गैस को,
और इस साइड पे आप देख सकते हैं मेरा आलू जो है वो उबल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्चुअली आलू और पनीर की सब्जी का प्रिपरेशन कर लिया है। मैंने टोमेटोज चॉप कर लिया है, जिंजर भी मैंने रेडी कर लिया है, ग्रीन चिलीज है, और मैंने पनीर को क्यूब करके कट करके मैंने इसको बोल में एक पानी में भिगो के रखा है। तो क्या होता है ना, पनीर बहुत देर तक फ्रेश रहता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बैंगन को पीसेस कर लिया है, इसको थोड़ा मुझे फ्राई करना है, और अभी मैं रबड़ी बनाऊंगी। का काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली। पहले तो इस मिल्क को उबालना है, और उबालने के बाद जब भी हर बार उबलेगा और मिल्क में जो मलाई आएगा उसको मैं अलग से प्लेट में मलाई को मैं स्टोर करूँगी। एंड देन जब ये मिल्क ऑलमोस्ट मतलब हाफ से भी कम हो जाएगा तब मैं टोटल मलाई ऐड कर दूंगी। देख सकते हैं अभी मिल्क उबल रहा है, इसको जस्ट पूरा उबलने देना है और थोड़ा फास्ट काम करना है, नहीं तो ये एक्चुअली उबल के गिर भी सकता है। तो बस अभी फ्लेम को एकदम लो करना है, ये धीरे से नीचे हो जाएगा, देन इसका जो ये ऊपर का मलाई है इसको मुझे ऐसे बोल में कलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल चढ़ा दिया है, और अभी मुझे मैं आलू और पनीर को थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं जो पनीर आलू पनीर की सब्जी वो बनाऊंगी। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम मतलब ये हो गया है कि मेरे पास बर्तन की बहुत कमी है, क्योंकि देखिए ना एक ही साल सिर्फ हुआ है, ज्यादा बर्तन तो अभी होगा नहीं मतलब पूजा के लिए, क्योंकि एक ही बार मैंने भोग का ये सब बनाया था। मेरे पास बस एक ही कढ़ाई है, तो इसी में मुझे सब्जी भी बनाना है, पूरी भी तलना है, और मालपुआ भी बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये भी। तो ठीक है कोई ना, हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आलू और पनीर को फ्राई कर लूंगी। पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मेरे पास बहुत ज्यादा बर्तन या जो भी है एल्युमिनियम या स्टील का है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी जल्दी खाना बनाने में, और ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो मैं अभी ये सब्जी जो है वो बना रही हूँ, और सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जितना मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जब थोड़ा सा भुन गया है उसमें मैंने चॉप टोमेटो डाल दिया है। अभी टोमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें सारे जो मसाले हैं सूखे मसाले वो मैं ऐड कर दूंगी, और उसको मैं सूखे मसाले को इसमें डायरेक्टली मतलब नहीं दूंगी, मैं थोड़ा सा पानी में एक्चुअली मसाले को मिक्स करके दूंगी। देख सकते हैं छोटे से कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा मैं टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी, एकदम हाफ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जितना मैं क्यूमिन पाउडर ऐड करूंगी, 1 स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। और अभी इन सारे मसालों को पानी में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जो आलू और पनीर मैंने फ्राई करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा चीनी और 1-2 जो ग्रीन कार्डमम है वो थोड़ा सा मैं क्रश करके ऐड करूंगी, और अभी मैं इसमें जो ये मलाई मैंने अलग से स्टोर किया था ये भी ऐड कर दूंगी।
जो मेरा भोग का सब खाना बनाना था वो मैंने सब बना लिया है। अभी बस सिर्फ मुझे पूड़िया तलना है, वो तल लूँ एंड उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। एंड अभी थोड़ा सा टाइम तो हो गया है, बट ठीक है, जन्माष्टमी की पूजा जनरली लेट नाइट को ही करते हैं, तो उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी। मैंने जो डिसाइड किया था वो करना है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं बस 10-15 मिनट के लिए ऐसे आराम किया, क्योंकि थोड़ा गर्म लग गया था। एक्चुअली बहुत ही गर्म लगा था, थोड़ा नहीं, क्योंकि बाहर आज बहुत गर्मी थी। बैक टू बैक 3-4 दिन बहुत, मतलब धूप निकली थी और बारिश भी नहीं हुआ, तो आज काफी गर्म था। तो मैं कंटिन्यूअसली खाना बनाया तो थोड़ा सा गर्मी लग गई मुझे, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया। अभी मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लेती हूँ एंड उसके बाद मैं रेडी होके देन आप लोग के साथ फिर से मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई और मैंने एक साड़ी पहन भी लिया है। बाद में मैं पूरा मतलब दिखाऊंगी कि कौन सा साड़ी है, कैसा साड़ी है, मेरा पूरा साड़ी वाला लुक। एक्चुअली शायद से मैंने इस चैनल में कभी भी साड़ी पहन के कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, तो ये फर्स्ट टाइम है। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक, साड़ी पहना हुआ लुक, अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ साड़ी पहन के। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम एक्चुअली ज्यादा बाकी नहीं है, जस्ट मुझे सब सामान लेके भगवान के सामने रखना है, बस उतना ही करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने भोग के लिए क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे है पूरी, और ये है रबड़ी, यहाँ पे आलू और पनीर की सब्जी, ये है मालपुआ, और यहाँ पे मैंने कुछ बैंगन को फ्राई करके रखा है, वो है ये, और यहाँ पे फ्रूट्स है 5 टाइप्स के। तो बस ये है मेरा आज का भगवान का भोग का प्रसाद। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी भगवान को दे देती हूँ। पूजा सब कंप्लीट हो गया है और थोड़ी देर बाद हम ये भोग का जो प्रसाद है
वही खा लेंगे, वही आज का हमारा डिनर है। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने पूरा दिन कैसे करके स्पेंड किया, पूरा दिन तो नहीं, शाम से कैसा स्पेंड किया, कैसे मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ अपने घर पे, वो सब कुछ दिखाया, भोग भी कैसे बनाया वो भी दिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एंड सब्सक्राइब बटन के साइड पे जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जाके आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।